हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। सो यहाँ हमने हिस्ट्री का कंपोनेंट स्टार्ट किया था, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने स्टार्ट किया था। पहले क्या देखा कि जो मौर्यन एम्पायर के किंग्स के बारे में, उनके रूलिंग जो वेज थे उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चलता कहाँ से हैं, क्या उनके लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये हमने देखा था। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने लिखा था, उसके बाद इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, जो ग्रीक एम्बेसडर थे, और एकता मुद्रा राक्षसा जो बाद में गुप्ता पीरियड के टाइम लिखी गई है विशाखदत्ता ने। उसके बाद हमें जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मिलते हैं वो कौन से थे, एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने मेजर रूलर्स के बारे में देखा था, चंद्रगुप्त जो एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे थे, ठीक है, मूरा नाम था और उसी से इनका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हमने देखा बिंदुसारा, इनकी स्टोरी पढ़ी थी, कैसे नाम पड़ा, कौन थे, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा अशोक। उसके बाद हमने देखा था कौन से रूलर ने कौन सी टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी इंडिया की। उसके बाद हमने एक मेजर टॉपिक देखा था जो अशोका ने अपनी पॉलिसी निकाली थी, अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्म, ठीक है, बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड थी। क्या क्या इसके मेजर फीचर्स थे, क्या क्या इन्होंने बोला था अपनी अपने लोगों को करने के लिए, ये सब हमने देखा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहले भी। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पढ़ा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, सप्तंग थियोरी ऑफ स्टेट जो कौटिल्य ने दी थी वो पढ़ी थी, क्या क्या मेजर सात एलिमेंट थे, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जब आपको एक एम्पायर रन करना है। उसके बाद हमने इस तरह से डिस्टिंक्शंस की थी एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी थी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिका के अकॉर्डिंग कैसी थी, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कैसी थी वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था डिविजन्स किस तरह से हुई थी, प्रोविंसेस में प्रोविंसेस का गवर्नर था, उसके बाद फर्दर डिविजन थी इंटू डिस्ट्रिक्ट, देन उसके छोटे लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम भोजक ग्रामीणी वो पढ़ा था। नेक्स्ट उनकी मिलिट्री किस तरह से ऑर्गेनाइज थी ये पढ़ा था, स्पाइस का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, स्पाई थे दो तरह के, एक जो एक तरह स्टेशन एक जगह पे स्टेशन थे और दूसरे जो वांडरर थे, ठीक है, जगह जगह घूम के इन्फॉर्मेशन लाते थे, गुप्तचर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जुडिशरी देखी थी, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब वहाँ पे थे। और नेक्स्ट हमने देखा था रेवेन्यू, मेजर सोर्स क्या है उनका, टैक्सेस थे, एग्रीकल्चर था, टैक्स कौन कौन से थे वो सब पढ़ा था, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू इंडिका, देन हमने पढ़ा था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, फिर जुडिशरी देखी थी, उसके बाद मिलिट्री देखी थी, मेजर क्या क्या कंपोनेंट थे अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, और उसके बाद कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या क्या था, इनके चार थे उनके छः थे, इन्होंने ना नेवी की बात की थी ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की। जो मेजर ऑफिसर्स के नाम चाणक्य ने दिए हैं, यहाँ से दो तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन हमने देखा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, मेंटेन कौन ऑफिसर करता था, और मेजर जो टैक्स थे वो कौन से थे, ठीक है, यहाँ पे हमने ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन एम्पायर का सेकेंड पार्ट, ठीक है, कल हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखी थी, आज हम देखेंगे उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनका आर्ट और कल्चर, जिसमें एडिक्ट इंस्क्रिप्शंस मेजरली आते हैं। स्टार्ट करते हैं सोसाइटी से, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर कल हम गुप्ता पीरियड स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेटर मौर्यंस के बारे में दे के गुप्ता पीरियड को शिफ्ट करेंगे, जिसको हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं सोसाइटी से, सबसे पहले बात आती है डिवीजन की, हम आज भी देखते हैं सोसाइटी में हमें अलग अलग तरह के डिविजन्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशन के बेस पे हो या रिलीजन वगैरह के बेस पे। अगर हम इस टाइम की मौर्यन टाइम की डिवीज़न की बात करें, किस तरह की डिवीज़न हमें देखने को मिलती है, अगेन इसके लिए हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक जो इंडिका में लिखा हुआ है मेगास्थनीज ने, कितनी बार पढ़ लिया, ग्रीक एम्बेसडर थे, और दूसरा जो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है जो कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो सोसाइटी थी वो सात डिस्टिंक्शंस में बटी हुई थी, वर्ण सिस्टम की कोई बात नहीं की थी इन्होंने, इन्होंने कहा था इस तरह से जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के बेस पे जो वो काम करते हैं उस बेस पे हमें ये सात क्लासेस देखने को मिलती हैं। फिलोसोफर्स राइटर्स थे जो कल्टिवेटर्स, उसके बाद हंटर और हर्डर्स,
नेक्स्ट आर्टिस्ट और ट्रेडर्स गिल्ड भी कहते हैं हम, गिल्ड मर्चेंट, ये सब ओवरसीज स्पाइस जो पहले हमने पढ़ा है ना, जो दो थे, एक जो एक जगह स्टेबल होके इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे किंग के लिए, और दूसरे जो जगह जगह घूम के, नेक्स्ट जो किंग के काउंसलर थे उनके कोर्ट में, और नेक्स्ट आती क्लासिफिकेशन सोल्जर्स की। ये बोला था मेगास्थनीज ने अपनी बुक में जिसका नाम था इंडिका। डिटेल में पढ़ा था हमने क्या थी कैसे ये सब। नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब दीज ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी। अब मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग ये जो ऑक्यूपेशन थी वो कैसी थी, हेरिडिटरी, मतलब फैमिली में अगर एक टीचर है किसी का ग्रैंडफादर, उसके बाद जो बेटा होगा वो भी टीचर होगा, उसके बाद जो होगा वो भी टीचर होगा, इस तरह से। अब ये सिस्टम कहाँ से चलता आ रहा है ऑक्यूपेशन का, फैमिली के अकॉर्डिंग या बर्थ के अकॉर्डिंग, ये हम जब हमने वैदिक एज पढ़ी थी वहाँ पर आराम से डिस्कस किया था कब ये हेरिडिटरी थी, बाद में कब ये चेंज हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट है इंटर मैरिजेस बिटवीन ग्रुप्स वॉज नॉट अलाउड। अब मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो इंटर मैरिजेस थी, मतलब इस ग्रुप का कोई इंसान दूसरे किसी ग्रुप के इंसान के साथ शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, इनके अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये डिवीजन थी मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कौटिल्या पे। कौटिल्या ने ऑक्यूपेशन के बेस पे कोई डिवीजन नहीं बताई, इन्होंने वर्ण सिस्टम पे अपना फोकस डाला, वही जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, सबसे ऊपर ब्राह्मीन, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो शूद्र थे या जिनको उस टाइम लोअर क्लास माना जाता था, हालांकि क्लासिफिकेशन में वो नीचे थे, बट जो उनकी पोजीशन थी सोसाइटी में उसमें उनका एक अच्छी पोजीशन थी, रिस्पेक्टेड कह लो, ठीक है, जो इकोनॉमिक अफेयर्स थे, एग्रीकल्चर हो गया, मिलिट्री होगी, उन सब में उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा हक था। ब्राह्मण सुपरमेसी में वो बिलीव करते थे, ये हमने कल भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे अंत्यजा। ये अंत्यजा क्या होते थे अब समझते हैं। पहले तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो इंटर मैरिजेस थी या इंटर ग्रुप में जो मैरिजेस थी वो अलाउड ही नहीं थी। अब यहाँ पे कौटिल्या ने बोला कि जो इंटर मैरिजेस हैं वो हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको जो एक दूसरे ग्रुप में शादी कर लेते थे या दूसरे वर्ण में शादी कर लेते थे उनको हम क्या बोलते हैं, अंत्यजा, जैसे समझते हैं। एक तरफ हम मतलब जो ये अंत्यजा थे इनको फिर सोसाइटी में वो पोजीशन नहीं मिलती थी, और सोसाइटी अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आप उसके किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब एक जगह हम बोल रहे हैं कि अलो करते थे बट उनको इस क्लास में डाल दिया जाता था, तो ये किस तरह का कंसेप्ट हुआ, समझ लो आज के टाइम पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ कहीं पर लिखा हुआ है कि आप हिंदू मैरिज, हिंदू या मुस्लिम शादी नहीं कर सकते या आप इंटर रिलीजन शादी नहीं कर सकते, नहीं लिखा हुआ है, अलाउड है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो सोसाइटी में आपको क्या फेस करना पड़ता है वो हमें पता है। सेम उसी तरह से अलाउड था पर जो कर लेते थे उनको सोसाइटी से ही बेदखल कर देते थे, सोसाइटी से निकाल दिया, फिर आप किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अंतजा क्लास देते थे उनको, ठीक है। नेक्स्ट है स्लेवरी। आप कौटिल्या की अगर माने तो स्लेवरी सिस्टम था, स्लेव्स थे, सर्वेंट थे। इवन कि जब हमने अशोका की पॉलिसी पढ़ी थी, अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा, वहाँ पे भी उन्होंने क्या जिक्र किया था कि जो आपके स्लेव्स हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब वो एग्जिस्ट करते होंगे स्लेव्स और सर्वेंट, तभी उन्होंने बोला व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेगास्थनीज ने बोला कि जो स्लेव्स वाला कंसेप्ट है ये था ही नहीं, बट जिन्होंने बोला कि था उनके हिसाब से कैसा था, ए पर्सन कुड बी स्लेव बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब एक पर्सन को स्लेव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय बर्थ, अगर वो स्लेव के घर पैदा हुआ है तो वो आगे भी क्या बनेगा, अगर पापा स्लेव थे राजा के तो वो भी स्लेव। उसके बाद बाय वॉलंटरी सेलिंग देम सेल्फ, अगर वो खुद को बेच देते हैं कि हमें स्लेव रख लो, बदले में कोई ज़मीन ले ली या फैमिली का कुछ कर दिया, उस तरह से वो स्लेव बन सकते हैं। बाय बीइंग कैप्चर्ड इन वॉर, अगर एक जो रूलर है वो किसी दूसरे रीजन को कैप्चर करता है तो वहाँ के जो प्रिजनर्स होंगे उनको भी वो क्या रख सकता है, एज ए स्लेव। एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, अगर किसी को किसी क्राइम में कोई पनिशमेंट मिलती है कि आपको अब से एज ए स्लेव काम करना पड़ेगा, तभी वो कैसा रिकोगनाइज किया जाएगा, एज ए स्लेव। कौटिल्या आल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ स्लेव, इसके अलावा भी उन्होंने नो टाइप्स ऑफ स्लेव्स बताए थे। ये तो तरीके हो गए कि आप किस तरह से स्लेव बन सकते हो। स्लेव बनने के बाद फर्दर उन्होंने नो क्लासेस बताई थी जिस तरह के स्लेव्स एग्जिस्ट करते थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला क्या है, अशोकन मेजर रोक एडिक्ट फिफ्थ कंसर्न्स अबाउट द पॉलिसी टूवर्ड्स स्लेव्स, ठीक है। हमने अभी बात की थी जो उन्होंने धम्म पॉलिसी दी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था कि स्लेव्स के प्रति, सर्वेंट्स के प्रति आपका जो बिहेव है वो अच्छा होना चाहिए, और इस बारे में लिखा कहाँ पे है,
रॉक एडिक्ट फिफ्थ वाले पे, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं अब, मेजर माइनर। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब हमने पढ़ा था कि लास्ट में उन्होंने जब वो कर्नाटक वाली साइड गए थे, सलेखन भी उन्होंने परफॉर्म किया है, सलेखन कौन से धर्म के साथ जोड़ते हैं हम, जैनिज्म के साथ। नेक्स्ट बिंदुसारा के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने किसको फेवर किया, आजीवक को। आजीवक कौन सा क्लैन था, थोड़ा बहुत ये भी मिलता जुलता था बुद्धिज़्म जैनिज़्म से, बट उनसे ये अलग था। ये क्या कहते थे, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपको कैसी लाइफ जीनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर, सेंट वाली, ठीक है, साधु संत सन्यासी वाली लाइफ आपको जीनी चाहिए। बिंदुसारा किसको फेवर करते थे, आजीविक क्लैन को या आजीविक सेक्ट को, क्लैन इज सेक्ट, डिफरेंट था ये बुद्धिज़्म से और जैनिज़्म से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अशोक पे, ये हमने कल की इतनी डिटेल में डिस्कस किया था, कलिंगा वॉर लड़ने के बाद ये किसकी तरफ चले गए थे, बुद्धिज़्म की तरफ, अपने इवन के जो उनके बच्चे थे उनको भी इन्होंने किस में लगा दिया था, बुद्धिज़्म का प्रचार करने में। अब आते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन, पहले हमने देखी थी जो अर्ली वैदिक एज थी उस टाइम कैसी थी, काफ़ी अच्छी थी, लेटर वैदिक एज तक आते आते थोड़ी डिक्लाइन होगी, जब महाजनपद पे आए थोड़ी और डिक्लाइन होगी, बट यहाँ पे हम वापस क्या देखते हैं, एक स्पाइक देखते हैं, जो पोजीशन थी वुमेन की वो एनहांस हुई थी, ठीक है, इनको हाई पोजीशन पे रखा जाता था। उसके बाद हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अब जो मौर्यन किंग्स थे वो फीमेल बॉडीगार्ड्स को रख रहे थे। अब ये सोर्स कहाँ से हमने पढ़ा था, मेगास्थनीस से, ठीक है, उसने ये बताया था कि जो मौर्यन एम्पायर है वहाँ पे किसकी रिक्रूटमेंट हो रही थी, फीमेल्स की एज देयर पर्सनल बॉडीगार्ड्स, ठीक है। उसके बाद उनमें डाइवोर्स करने की, डाइवोर्स भी ले सकते थे और डाइवोर्स के बाद वो रीमैरी भी कर सकते थे, ठीक है, रीमैरिज अलाउड थी विडोज़ को। नेक्स्ट आते हैं अब इकॉनमी पे, यहाँ तक सोसाइटी थी, अब बात करते हैं इकॉनमी की। दो मेजर सोर्स थे, एक तो एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है, एग्रेरियन टाइप ऑफ इकॉनमी थी, एग्रीकल्चर अच्छा था, वो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं महाजनपद के टाइम से, ट्रेड भी अच्छा था, और जो मेजर सोर्स था इनकम का वो क्या था, टैक्सेस। अलग अलग टैक्सेस के बारे में कल भी पढ़ा था, आज भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रेड से, जटाका स्टोरीज हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि इनका जो ट्रेड था वो अच्छा था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी था। ट्रेड रूट्स, तीन मेजर ट्रेड रूट्स थी, जो मेन ट्रेड रूट थी नॉर्थन इंडिया में वो कैसी थी, गंगा प्लेन्स के साथ, ठीक है, गंगा रिवर के साथ और हिमालय फुट हिल्स तक ऊपर नॉर्थ वाला जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑक्यूपाई किया था। नेक्स्ट अगर साउथ वाली साइड आए तो जो उनकी रूट थी वो किसके साथ कनेक्टेड थी, पूरे सेंट्रल इंडिया के साथ। उसके बाद जो ओवरलैंड रूट थी कंट्रीज़ के साथ, जो वेस्ट वाली साइड थी वो किस साइड से जाती थी, तक्षशिला वाली साइड से। कल लोकेशन देखी थी पहले जब हम महाजनपद पढ़े थे, ऊपर तक्षशिला, गांधार, वो सारी अब कहाँ पे हैं, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, जो गांधार है वो प्रेजेंट पूंछ है, ठीक है, वहाँ से उनकी ओवरलैंड रूट्स थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से गिल्ड या मर्चेंट प्रेजेंट थे, मेटलर्जिस्ट हमें मिलते हैं जो मेटल के काम से डील करते हैं, कारपेंटर थे लकड़ी का काम करने वाले, पॉटर, पॉटरी हमें देखने को मिलती है मौर्यन एम्पायर में। उसके बाद लेदर वर्कर्स, पेंटर, टेक्सटाइल वर्कर्स एक्स्ट्रा, ठीक है, ये सब गिल्ड या मर्चेंट्स के ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। अब गिल्ड हमने पहले कब पढ़े थे, जब इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे महाजनपद के टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बात एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का जो राइज था वो लेटर वैदिक एज के बाद से होने लगा था, महाजनपद में काफ़ी हो गया था और यहाँ पे भी हमें अच्छा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। लोग सेटल थे एक जगह पे क्योंकि उनकी ज़मीनें थी जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते थे। उसके बाद टैक्सेस वहाँ से आता था, ये सिंपल लाइन्स हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सीता या क्राउन लैंड्स का। ये सीता या क्राउन लैंड्स कौन सी लैंड थी, जो किंग की अपनी पर्सनल थी, ठीक है, बाकी जो लैंड थी वो प्राइवेट थी या लोगों की थी, बट ये पर्सनल लैंड थी जो किंग ऑन करते थे और यहाँ पे वो यहाँ स्लेव्स रखते थे या किसी को हायर करते थे काम करने के लिए। और जो इनको जो ऑफिशियल इनको मेंटेन करता था उसको हम क्या बोलते हैं, सीता अध्यक्ष, सीता लैंड और अध्यक्ष कल हमने पढ़ा था हेड को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर कह लो। ये सीता लैंड वाला जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स की, अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, इतनी बड़ी इकॉनमी जो चल रही थी, मेजर सोर्स क्या था, टैक्स। टैक्स हमने कल पढ़े थे, जो रोड और ट्रांसपोर्ट से आता था वो वनिक पट, जो उसके बाद जो पास्चर लैंड से आता था वो व्रजा, प्लांटेशन से जो आता था वो सेतु, फॉरेस्ट से आता था वो वन, जो माइन से आता था वो खान, उसके बाद जो रूरल एरिया से आता था राष्ट्र, जो सिटी से आता था वो दुर्ग, और जो लैंड रेवेन्यू था वो था भाग। मोस्टली जो टैक्स थे वो 1/3 से लेके 1/6 थे।
ठीक है, एक ही बार टैक्स ज़्यादा हुआ है ये, कि हम आगे पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर तक जो टैक्स है वो 1/3 से लेके 1/6 के बीच से। छोटा सा था इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, सिर्फ आपको ये जो मेजर पॉइंट्स याद करने हैं। स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था वो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग स्लेवरी थी ही नहीं, और कुटल्या ने कहा था स्लेवरी थी, इवन 9 क्लासेज ऑफ स्लेव उन्होंने डिस्कस की हैं। उसके बाद जो डिविजन्स थी वो किस बेस पे थी, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन पे थी, कौटिल्य के अकॉर्डिंग वो वर्ण सिस्टम था, ठीक है, ब्राह्मण सुपरमेसी शूद्र की जो पोजीशन थी वो। उसके बाद हमने क्या देखा, गिल्ड कौन कौन से थे, मर्चेंट्स की कौन कौन से ग्रुप उस टाइम प्रेजेंट थे, और रूट्स को एक सरसरी नज़र मार लेना कौन सी रूट कहाँ से होके जाती थी। अब आते हैं आर्ट और कल्चर पे, स्टार्ट करते हैं। एक ठीक है, आर्ट और कल्चर, मौर्यन आर्ट को हम दो क्लासेस में बांटते हैं, एक कोर्ट आर्ट और दूसरा पॉपुलर आर्ट। अब फर्क क्या है इनमें, कोर्ट आर्ट हम कोर्ट आर्ट में हम वो आर्ट्स रखते हैं जिसको स्पेसिफिकली किंग खुद पेट्रॉन करते थे, ठीक है, और पॉपुलर आर्ट में वो आर्ट्स भी आते हैं जिनको किंग की पेट्रोनेज में तो होते थे, उनके एम्पायर के अंडर हो रहे हैं, बट जो लोकल ऑफिशियल्स थे, गवर्नर्स थे, सुपरिटेंडेंट थे, उनकी निगरानी में या उनकी कमीशन के अंडर ये आर्ट होते थे, ठीक है। कोर्ट आर्ट में आते हैं पैलेसेस थे, पिलर्स थे, स्तूप थे, इसके अलावा रॉक एडिक्ट थे, ठीक है। अब पिलर्स में हमने क्या पढ़ना है, दो चीज़ें थी, पिलर में एडिक्ट थे और पिलर में इंस्क्रिप्शंस हैं। उसके अलावा रॉक में हम देखते हैं एडिक्ट, रॉक में सिर्फ एडिक्ट है। अभी एडिक्ट कैसे हैं, मेजर हैं और दूसरे माइनर हैं। वैसे ही यहाँ पे जो एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट वो 7 है, इंस्क्रिप्शंस अगेन दो क्लासेस में हम पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस मेजर हैं जो 6 हैं, ठीक है, और माइनर हैं जो 2 हैं, ठीक है। इस तरह से हम बेसिकली एडिक्ट थे क्या, ये वो फरमान थे राजाओं के जो वो किसी हार्ड मटेरियल पे एनग्रेव करवाते थे, ठीक है। हर एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है, बट हर इंस्क्रिप्शन एडिक्ट नहीं होती, ठीक है। हर एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है, बट सारी इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट नहीं होती। इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, जो राइटिंग्स वो एनग्रेव करवाते थे किसी हार्ड सरफेस पे। अब ये जो मेजर और माइनर की डिवीजन है, ये किस बात पे है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। मेजर यूजली हम उन इंस्क्रिप्शन को या उन एडिक्ट को बोलते हैं जिनकी जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा ज़्यादा फर्निश्ड है, ठीक है। जो माइनर है उनमें इतनी डिटेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पॉपुलर आर्ट में केव्स आती हैं ना, रॉक कट क्रेव केव्स हमें देखने को मिलती है, पॉटरी हमें देखने को मिलती है। अभी पॉट्स वाला सिस्टम हम कहाँ से देखते आ रहे हैं, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट की थी। उसके बाद स्कल्पचर्स हैं, यक्ष है, यक्षिणी है, उनके हमें स्कल्पचर्स या मूर्ति देखने को मिलती है। उसके अलावा कॉइन्स देखने को मिलते हैं सिल्वर के, टेराकोटा हमें देखने को मिलता है, टेराकोटा सॉफ्ट क्ले लाइक मटेरियल होता है, अब ज्वेलरी बनती है इसकी, टॉयज़ बनते हैं, डॉल्स बनती हैं, वो सब। टेराकोटा भी हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम एक एक करके, स्टार्ट करते हैं कोर्ट आर्ट से। कमीशन बाय मौर्यन रूलर देमसेल्फ फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजंस, ठीक है। अब स्टेटमेंट अगर आती है कि जो मौर्यन आर्ट और कल्चर था, क्या सिर्फ वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए था या फिर रिलीजियस रीजंस के लिए भी था, तो वो दोनों ही रीज़न के लिए था। अब पॉलिटिकल रीज़न क्या हो सकते हैं, अगर जो रूलर है वो अपने बारे में कुछ लिखवा रहा है, अपने सुपरमेसी को दिखा रहा है, वो पॉलिटिकल रीज़न है। लेकिन हमें रिलीजियस रीज़न भी देखे हैं, जैसे जो लुम्बिनी वाला है, ठीक है, जब वो अशोक थे, जब वो बुद्धिज़्म की तरफ चले गए, तो लुम्बिनी में जाके उन्होंने एक एडिक्ट बनवाया था, और वहाँ पे स्पेशली क्या लिखवाया था कि मैं इस एरिया का या इस रीजन का जो टैक्स है वो कम कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, जो लुम्बिनी है वो किससे डील करता है, बुद्धिज़्म से, गौतम बुद्ध से, ठीक है। कल हमने पढ़ा था टैक्स कम करने का, ज़्यादा करने का जो राइट था वो किसके पास था, सिर्फ सुप्रीम के पास, और जो सुप्रीम कौन था, किंग खुद। अब बात करते हैं पैलेसेस की, डिस्क्राइब किसने किया, ये मेगास्थनीज ने और चाइनीज ट्रेवलर फाहिन ने। फाहिन का हमने पहले भी जिक्र देखा हुआ है, तभी हमने बात की थी कि जो एम्बेसडर होते हैं और जो राइट सॉरी ये विजिटर होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस टाइम पे आया था। अब चाइनीज़ जो ट्रैवलर फाहिन थे, इन्होंने एक स्पेशल एक ट्रीटमेंट नहीं एक स्टेटमेंट दी थी
कि जो ये मौर्यन टाइम के पैलेसेस हैं वो लगता ही नहीं है किसी इंसान ने बनाए होंगे, ऐसे लगता है जैसे वो हेवन में क्रिएट हुए हैं, ठीक है, स्वर्ग के महल लगते हैं वो, तो कितने कितने अच्छे से वो बने होंगे। इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो वो आर्किमेनिड पैलेसेस या फिर जिसको हम पर्शियन आर्ट कहते हैं, आर्किमेन एम्पायर, ठीक है, पर्शियन आर्ट से वो इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट मटेरियल यूज्ड, मोस्टली वुड का इस्तेमाल किया था, बट इसके अलावा दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल हुआ है, बट जो मोस्टली पैलेसेस बने हैं वो किसका यूज़ करके बने हैं, वुड का। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, पाटलिपुत्र में है, उसके बाद कुमारा में है, चंद्रगुप्त मौर्य का है जो, ठीक है, जो पाटलिपुत्र वाला है वो अशोका का है, नहीं वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, और जो ये वाला है, हाँ ये वाला अशोका का है, और जो दूसरा वाला है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पिलर्स पे, पिलर्स मोस्टली किसने कमीशन किए हैं, खुद अशोक ने। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है इसमें, चुनार सैंडस्टोन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से आर्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पिलर्स बनाने का, टू डिसेमिनेट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट ऑर्डर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। पहले हमने पढ़ा कि जो मोस्टली आर्ट था उसके दो ही रीजन्स थे, या पॉलिटिकल रीजन से अपनी सुपरमेसी बताने के लिए, और दूसरा क्या था, रीजनल, एक तो रीजनल आ गया, दूसरा रिलीजनल, बुद्धिज़्म को वो फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी बताने के लिए उन्होंने ये पिलर्स बनाए थे। लैंग्वेज कौन सी यूज़ थी, पाली भी और प्राकृत लैंग्वेज भी, ठीक है, पाली और प्राकृत का यूज़ भी हम पीछे से देखते आ रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस थी वहाँ के लोगों की जब हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पढ़ा था। इसके अलावा जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो कौन सी है, ग्रीक, ठीक है। अब आर्किटेक्चर की बात करें अगर पिलर की, तो इस तरह का पिलर हमें देखने को मिलता है, जो ये एलोंगेटेड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। उसके बाद इसमें एक इन्वर्टेड बेल या लोटस शेप की बेल हमें देखने को मिलती है, जिसको जो शाफ्ट के ऊपर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एबकस वाला पार्ट, सबसे नीचे शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर बेल जो इन्वर्टेड लोटस की शेप में थी मोस्टली, उसके ऊपर आता है एबकस वाला पार्ट, और उसके ऊपर जो मेन पार्ट है वो था कैपिटल। अभी कैपिटल लॉइन, बुल, इस तरह के एनिमल्स की जो आकृति है वो बनाई होती थी, और नेक्स्ट कुछ कुछ में व्हील है बट मोस्टली में नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, ये जो कैपिटल फिगर्स है वो क्या क्या होती थी, बुल हो सकता था, लॉइन या एलिफेंट, इस तरह का हमें कैपिटल देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे कैपिटल भी अब्सेंट है, ऊपर व्हील भी अब्सेंट है, सिर्फ हमें एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिर्फ शाफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर है जिस तरह के पिलर अशोक ने बनाए थे। अब पिलर एडिक्ट देखते हैं कौन कौन से थे, 7 पिलर एडिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या याद करना है कि कौन से एडिक्ट में अशोक ने क्या लिखा हुआ है। पहले एडिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे अशोक ने वो प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी थे। हमने कल भी पढ़ा था, वो बिलीव करते थे कि जो किंग है वो एक फादर की तरह काम करते हैं जो अपने उनके लोग हैं उनसे, ठीक है, जो उनकी प्रजा है, और कभी कभी फादर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपनी बच्चों के लिए या उनकी सही के लिए। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स उन्होंने कहाँ पे लिखे हुए हैं, अपने एडिक्ट फर्स्ट में, जो उनके पिलर एडिक्ट है। नेक्स्ट उन्होंने जो सेकंड एडिक्ट है वहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ, धम्म विद कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, वर्च्यू एक्स्ट्रा, धम्म पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, क्या पॉलिसी थी, क्या क्या इसके मेन जो पिलर थे, एलिमेंट थे, ये भी हमने कल डिस्कस किए थे। थर्ड एडिक्ट की बात करें, आस्क सब्जेक्ट टू कंट्रोल वायलेंस, क्रुएलिटी, एंगर एंड एनवी। सब्जेक्ट कौन हुए, जो उनके लोग थे, उनको उन्होंने क्या बोला था, या क्या उनके लिए एक ऑर्डर समझ लो कि जो आपका वायलेंस है, हिंसा है, क्रुएलिटी है, गुस्सा है, तो एनवी उसको कंट्रोल करना है, अगेन धर्म पॉलिसी के फीचर्स थे। फोर्थ एडिक्ट में उन्होंने लिखा हुआ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ राजू का। अभी राजू का, गोपा, ये कौन थे, ये हमें पूरे डिटेल में कल देखे थे, ठीक है, ऑफिशियल्स के नाम थे। नेक्स्ट आते हैं रॉक एडिक्ट फिफ्थ पे, लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स टू बी किल्ड ऑन सर्टन डेज एंड नॉट टू बी किल्ड एट ऑल। अब यहाँ पे कल उन्होंने क्या बोला था कि ना ही सिर्फ जो आपके स्लेव, सर्वेंट्स या आम लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके अलावा जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके साथ भी आपको अच्छे से बिहेव करना है। बट यहाँ पे सिर्फ कुछ एनिमल्स और बर्ड्स का सेक्रीफाइस उन्होंने अलो किया था, वो भी कुछ सर्टन डेज पे, एक सर्टन ओकेजन्स पे, अदरवाइज जो अशोक थे वो सेक्रीफाइस को फेवर नहीं करते थे बाद में, ठीक है, कलिंग वॉर के बाद। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ एडिक्ट, यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा पूरी लिखी हुई है, जो हमने 7 एलिमेंट्स पढ़े थे कल डिटेल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट एडिक्ट, पिलर एडिक्ट सेवन्थ, यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है,
अशोका डिस्क्राइब ऑल सेक्ट डिज़ायर फॉर सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, एक तो यहाँ पे उन्होंने टॉलरेंस की भी बात की है, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। दूसरा उन्होंने बोला कि जो जितने भी सेक्ट हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, मोस्टली वो किस पे एम्फेसाइज करते हैं, सेल्फ कंट्रोल पे और दिमाग की शुद्धता पे, प्योरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा, ये वाला शाफ्ट रीजन, उसके बाद ये एबकस, ये इन्वर्टेड बेल और उसके ऊपर कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस पे। पीछे हमने देखा ना, मेजर माइनर दो तरह की इंस्क्रिप्शंस थी। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट आती हैं, रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी एंड एग्जेप्शन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टेक्स्ट। ये भी हमने कल पढ़ा था, लुम्बिनी में इन्होंने ये पिलर बनाया हुआ है, रुमिंदाई। इसमें क्या लिखा था उन्होंने कि मैं लुम्बिनी का जो टैक्स है, इस एरिया का टैक्स है, वो कम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे है, नेपाल में। इसमें क्या मेंशन किया अशोक ने, जो बुद्धा कोनका मान का स्तूप था, उसको उसकी जो हाइट थी वो और इंक्रीज़ करवाई थी। ठीक है, इंक्रीज़ करवाई कितनी थी, डबल ऑफ इट साइज़। ठीक है, दो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस। मेजर में छह आती हैं, कौन कौन सी, सारनाथ लॉयन कैपिटल वाराणसी के पास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं वैशाली पिलर, बिहार में है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आए हैं कि पिलर्स के नाम या इंस्क्रिप्शन के नाम दिए होंगे और लोकेशन पूछी होगी। ठीक है, लोकेशन याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संसिका पिलर उत्तर प्रदेश में। फिर आती है लोरिया नंदगढ़ पिलर चंपारण बिहार में। नेक्स्ट है लोरिया अराराज पिलर, ये भी कहाँ पे है, बिहार में। और लास्ट में आता है अलाहाबाद पिलर, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। छह मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमने पीछे देखा, और दो माइनर थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रॉक एडिक्ट के बारे में। मेजर रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे, 14 थे टोटल। इसमें से भी क्वेश्चन कैसे आता है कि या तो लोकेशन पूछेंगे जिन जिन स्टेट्स में ये हैं, और दूसरा कौन से एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं रॉक एडिक्ट फर्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, जो रॉक एडिक्ट हैं वो बने किसकी पैट्रोनेज में, अशोक के, जो थर्ड किंग थे। पहले पिलर में उन्होंने बात की है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल हैं उनको सेक्रीफाइस रोकने की। बट पीछे उन्होंने क्या बात की थी कि अगर आपको सेक्रीफाइस करना भी है तो सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट सेकंड, इट मेंशंस सोशल वेलफेयर अंडर धम्मा। अगेन यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात की है, और हमने कल भी डिस्कस किया था, उन्होंने खुद भी सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए थे, इन्स बनाई थी, है ना, रेस्टिंग प्लेसेस अगर कोई बाहर से आ रहा है, रोड्स कंस्ट्रक्ट किए थे, चिकित्सालय बनाए थे, है ना, फार्मेसी बनाई थी, ये सब। इसके अलावा क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्साएं जो हमने कल पढ़े थे। इवन जो जैसे हम आज सब सेंटर्स देखते हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लगा लो, ट्रीटमेंट लगा लो, वो उस टाइम भी उन्होंने सेट किया हुआ था। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट थर्ड, इसमें क्या बात किया उन्होंने, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट एंड ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ब्राह्मण एंड सरमन इज ए वर्च्यू। ठीक है, ब्राह्मण सुपरमेसी, अगेन ये भी हमने देखी थी मॉडर्न टाइम के बाद, और जो किंग खुद भी थे इस एम्पायर के, जो ब्राह्मण थे उनको ना ही कभी डिसरिस्पेक्ट करते थे, ना ही कभी उनकी कोई बात मना करते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं रॉक एडिक्ट फोर्थ, इसमें उन्होंने बात की है अगेन नॉन वायलेंस टू एनिमल्स। ठीक है, जो बोल्ड है एटलीस्ट उतना याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं रॉक एडिक्ट फिफ्थ, इसमें उन्होंने बात की है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महात्मा। कल हमने पढ़ा था कि जो तीन पिलर्स देखे थे धम्म पॉलिसी के, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, मॉरलिटी क्या है और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने बात की थी धम्म महात्मा, और यही चीज़ इनको अलग करती है इस पॉलिसी को बुद्धिज़्म से। ठीक है, इन्होंने किसका अपॉइंटमेंट की थी, धम्म महात्मा की इंस्टेड ऑफ संघ। फिर नेक्स्ट आते हैं रॉक एडिक्ट सिक्स्थ पे, इन्होंने यहाँ पे बात की है इंस्ट्रक्शन टू धम्म महात्मा। अब पहले उन्होंने बात की कि जो ये धम्म पॉलिसी है ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कौन, ठीक है, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये होगी, धम्म महात्मा की। अब इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन्होंने कहाँ पे सेट की थी या कहाँ पे लिखी थी, रॉक एडिक्ट सिक्स्थ में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे उनकी, दे वर टोल्ड दैट दे कुड ब्रिंग देम रिपोर्ट्स टू किंग एट एनी टाइम। वो किसी भी टाइम अपने जो किंग है उनको जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे जो बाकी कोर्ट के मेंबर्स थे, किसी को भी अलो नहीं होता था, आपने कभी देखी भी होंगी पुरानी मूवीज़, मतलब राजा टाइप वाली, कोई भी नहीं जा सकता था डायरेक्टली कि अभी राजा रेस्ट कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको जाना अलाउड नहीं है। बट ये धम्म महात्मा ऐसे थे जो किसी भी टाइम अंदर जा सकते थे।
ठीक है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हो। नेक्स्ट आता है रॉक एडिक्ट सेवन, इट इज़ एन अपील फॉर टॉलरेंस टॉलरेंस बिटवीन ऑल सेक्ट। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, जो अशोक थे उनकी क्या पॉलिसी थी कि जितने भी धर्म हैं चाहे आप किसी को भी फॉलो करो, बट जो बाकी वाले हैं उनके प्रति आपको टॉलरेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट सेवन एट स्टेट्स दैट धम्म यात्रा टूर वुड बी अंडरटेकन बाय द एम्परर। इसके बारे में भी कल पढ़ा था, जो चार उन्होंने मेजर यात्राएं की भी हैं, लुम्बिनी को, कुशीनगर को, ठीक है, सारनाथ को, वो सब। और जो उनकी पहली विजिट है वो कहाँ पे थी, बोधगया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी, एनलाइटेंड हुए थे वो। पहली विजिट उनकी यहाँ पे थी, और इसके बारे में कहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, अशोक एडिक्ट एट्थ में। फिर नेक्स्ट है अशोक एडिक्ट नाइन्थ, इसमें उन्होंने बात की है ही अटेंड सेरेमनीज परफॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, इलनेस, मैरिज एंड बिफोर सेटिंग आउट ऑफ जर्नी। बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स टाइप की चीज़ें हम करते हैं जन्म के बाद, जब कोई बीमार होता है, नज़र लगी होगी वो उतारो, शादी में जो हम रिचुअल्स करते हैं उन सब का उन्होंने खंडन किया था, या उन सब के वो अंगेंस्ट थे। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट टेंथ में उन्होंने बात की है डिनाउंस्ड फेम एंड ग्लोरी एंड री एसर्टेड द मेरिट ऑफ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ धम्मा। रॉक एडिक्ट टेंथ में उन्होंने क्या बात की है कि जो कलिंग वॉर के बाद जो भी हुआ उसके बाद में जो ये फेम ग्लोरी ये नाम साम जो भी है इसको मैं त्याग करके किसकी तरफ जा रहा हूँ, आप पॉलिसी ऑफ धम्म की तरफ, नॉन वायलेंस, नो वॉर, नो ब्लड शेड, ये सब। नेक्स्ट आता है इलेवंथ रॉक एडिक्ट, इसमें उन्होंने बात की है धम्म प्रिंसिपल्स के, बट कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन या एडिशनल स्टेटमेंट्स के साथ, इस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग एनिमल्स। अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग एनिमल्स मीन्स आपको इनसे परहेज़ करना है, एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं करना है। अब एनिमल सेक्रीफाइस की बात शायद यहाँ पे फोर्थ टाइम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट ट्वेल्थ एंड अपील टूवर्ड्स टॉलरेशन अमंग सेक्ट। ये पहले वाला, जो आप चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करो बट आपको बाकी सेक्ट के लिए भी टॉलरेशन रखनी चाहिए, ये रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट थर्टीन, यहाँ पे है इट इज़ क्रूशियल फॉर कॉम्प्रहेंडिंग द अशोक धर्म पॉलिसी। अगेन यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, अशोक की धर्म पॉलिसी। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, द रॉक एडिक्ट प्लीड्स फॉर कंक्वेस्ट बाय धम्म इंस्टेंट ऑफ वॉर। कि आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, किसी को जीतना भी है, तो धम्म पॉलिसी यूज़ करके करो, ना कि वॉर से, ठीक है। लेकिन जो अशोका की विक्ट्री हुई थी कलिंग वाली, वो भी कहाँ बात हुई है, और रॉक एडिक्ट 13 में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये भी। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट 14, जो लास्ट रॉक एडिक्ट है, दिस धम्मा रिलेटेड रिकॉर्ड हैज़ बीन रिटन डाउन इन एन एब्रीवेटिव और एनलार्ज्ड मैनर सो दैट पीपल कैन एक्ट अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे भी उन्हें किसकी बात की हुई है, धम्म पॉलिसी की। अब आते हैं माइनर रॉक एडिक्ट पे, पहले मेजर पढ़े, अब आते हैं माइनर। दिस एडिक्ट अपेयर इन कहाँ कहाँ पे, बहापुर में, गुजारा में, उतेगोलन में, मस्की, नितूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, चतिंगा, रामेश्वर, राजूला, ये एरागुदी होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, सासारम, बैरत, अरहुरा, इन जगहों पे। अब एक ख़ास बात और थी, जहाँ पे भी ये इंस्क्रिप्शंस या जो एडिक्ट हैं, जहाँ पे भी सेट होती थी, जिस भी जगह में, ये उस जगह की स्पेशलिटी भी बताते थे, ठीक है, एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट है कांधार बिलिंगुल रॉक एडिक्ट विच इज़ इन ग्रीक एंड अरामिक इज़ द फर्स्ट नॉन अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो पहले इंस्क्रिप्शन हमें अशोक की पता चलती है वो कौन सी है, कांधार बिलिंगुल रॉक एडिक्ट, वो लिखी कौन सी भाषा में है, ग्रीक में, ग्रीक और अरामिक। पहले हमने पढ़ा, अभी पीछे देखा था, तीन ही मेजर लैंग्वेज यूज़ हुई हैं, पाली, प्राकृत जो लोकल लैंग्वेजेस थी, और उसके अलावा ग्रीक और अरामिक, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट लास्ट आता है स्तूप। स्तूप एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली ये थे क्या, जो रेलिक्स होते हैं, अब रेलिक्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलोगे, अवशेष, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स, जो अवशेष रह जाते थे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के, तो उनको वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते थे, और उनके लिए एक ये पिलग्रिम समझ लो, एक पवित्र स्थल बनता है, ठीक है। स्तूप और बरियल माउंट प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से ये चलते आ रहे हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें स्तूप की, ये जो गोल वाला सर्कुलर पार्ट था, ये सेमी सर्कुलर, इसको बोलते थे अंड। उसके बाद ये जो गेट है ऊपर, इसको आप बोलते थे तोरान। इसके बीच भी हमें एलिफेंट्स के, लॉइंस के, वो सब एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।
उसके ऊपर था हरमी का ठीक है रेक्टेंगुलर सा बेस था, और उसके ऊपर होता था छत्र। ठीक है, ये वॉल यहाँ पे एनक्लोजर देखने को मिलता है, और इसके बीच जगह होती है जहाँ पे ये परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक गेट से जाते हैं पूरी परिक्रमा करते हुए दूसरे गेट से बाहर, और ये जो वॉल है इसको हम बोलते हैं मेधी। ठीक है, जो पूरे अंड को कवर कर रही है, एनसर्कल कर रही है, तो यही है इसमें अंड, हेमिस्फेरिकल माउंड है। नेक्स्ट, जो अब अगर क्वेश्चन आता, हमने पढ़ा जो रेलिक्स थे उनको प्रिजर्व करते थे स्तूप में, बट रेलिक्स में पर्टिकुलरली कौन से पार्ट में, अंड में, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ये वाला, इसके बीच रेलिक को रखा जाता था। हर्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ माउंट, उसके बाद आता है छत्र, सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग द ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म। ठीक है, ऊपर वाला, ये डिटेल्स ज़रूरी हैं, ट्रिपल। ठीक है, तीन पार्ट्स होते थे या तीन स्टेप्स होते थे छत्र के। उसके बाद यहाँ पे भी अगर मटेरियल की बात करें, जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ पे अनबर्नड ब्रिक्स यूज़ हुई थी, और जो सरफेस वाला पार्ट था वहाँ पे बर्नड। ठीक है, जो कोर थी वो अनबर्नड से, और जो सरफेस था आउटर सरफेस वो बर्नड से। अब ये बर्नड और अनबर्नड ब्रिक्स भी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से, जब हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था। और जो ये मेधी वाला पार्ट है ये किसका बना था, ये वुड का। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, पीपरवाह स्तूपा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बैरत वाला राजस्थान में है, और सांची स्तूपा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब एक और क्वेश्चन ध्यान से बनता है, ऐसे कौन से स्तूप हैं जो बुद्ध के डेथ के बाद बने, राजगृह वाला, वैशाली वाला, कपिल वस्तु वाला, अलकपा वाला, रामग्राम वाला, वेदापिदा वाला, पावा, कुशीनगर और पिपला वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे हैं जो उनकी डेथ के बाद बने थे। ठीक है, अब आते हैं पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में क्या आता है, ऐसा आर्ट जो लोकल गवर्नर्स ने और इंचार्ज ने, जो उनके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनकी कमीशन में बना। ठीक है, उनकी कमांड से बना। पहले आते हैं स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स जो थे वो जो बाकी पिलर इंस्क्रिप्शन थे, एडिक्ट थे, उनसे थोड़े कम टेक्निकली बने थे। ठीक है, उसे जो उनकी फर्निशिंग थी उनसे थोड़ी कम थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे जो मॉन्यूमेंट फिगर्स हैं, एक यक्ष की है और एक यक्षिनी। अब यक्ष और यक्षिनी की जो हमें मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि उस टाइम पे जो ये यक्ष और यक्षिनी वाला कंसेप्ट है वो प्रिवेल करता था, और लोग इनको एज ए गॉड पूछते भी थे। उसके बाद वुड पैलासाइट्स हमें मिले हैं एट पाटलिपुत्र, जो मगध की कैपिटल थी। ठीक है, ये यक्षिणी की फिगर है, दूसरा ये यक्ष है, और ये वुड पैलिसेड्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो सेकंड कैपिटल थी मगध की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केव। केव में हमें रॉक कट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पूरी केव काट के इंस्क्रिप्शंस या स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पूरी एक रॉक है, इसके बीच से एनग्रेव करके ये जो स्कल्पचर है वो तैयार किया हुआ है। एग्जाम्पल ये है कौन सा, लोमस ऋषि केव, रॉक कट केव है कहाँ पे, बाराबार नियर गया। गया भी अगेन किसके साथ रिलेट करती है, बुद्धिज्म के साथ। क्या फीचर्स थे इसके मेन, द केव एंट्रेंस इज डेकोरेटेड विद ए सेमी सर्कल चैत्य आर्क। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्कल आर्क हमें देखने को मिलती है। अब ये चैत्य विहार क्या थे, इसके बारे में भी हमने कब पढ़ा हुआ है, जब हमने बुद्धिज्म को डिस्कस किया था। एन एलिफेंट कार्व्ड इन हाई रिलीफ ऑन द चैत्य। अब ये जो सेमी सर्कल आर्क है यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट लॉइंस, बुल, इनका मैक्सिमम यूज़ हुआ है जो मोरियन आर्ट और कल्चर की अगर हम बात करते हैं। जो इंटीरियर हॉल है केव का अंदर जाके वो किस तरह का है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये डिटेल्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो अंड है वो कैसा था, अंड किसका पार्ट था, स्तूप का, केव का, रॉक कट केव्स का, इस तरह से। इट ऑल्सो हैज़ ए सर्कुलर चैम्बर एट द बैक, इसकी बैक साइड पे एक सर्कुलर चैम्बर है। और ये जो केव स्ट्रक्चर्स थे या केव जो आर्किटेक्ट थे रॉक कट वाले, ये किसके फेवर में थे, आजीविक सेक्ट। तीन चार बार पढ़ लिया इसके बारे में, आजीविक सेक्ट क्या था, कहाँ से आया था, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं पॉटरी की। पॉटरी भी हम IVC से देखते आ रहे हैं, उनकी ग्रे वेयर थी, ब्लैक वेयर थी, रेड पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कैसा था, नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सिर्फ इतना सा पॉइंट याद कर लो। और मोस्टली जो कलर था वो या तो जेट ब्लैक था या फिर मेटेलिक स्टील ब्लू। ठीक है, स्टील ब्लू में या फिर
पूरा जेट ब्लैक में हमें ये देखने को मिलता है, और कुछ कुछ ऐसे थे जहाँ पे पहले की तरह रेड पैचेस थे। ठीक है, बस इतना सा। नेक्स्ट कुछ जो बाकी रहते हैं कॉइन्स, हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, टेराकोटा देखने को मिलता है। कॉइन्स किस तरह के थे? मोस्टली सिल्वर, ज़्यादातर सिल्वर के थे, बट कुछ जो थे उनमें कॉपर पीसीस भी यूज़ किए हुए थे। अलग अलग शेप, साइज़, वेट्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। और तीसरी पॉइंट, ये किस तरह के कॉइन्स थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। पंच मार्क कॉइन्स बेसिकली बनते कैसे थे? पहले एक मेटल का पीस लिया होगा और उस पर पंच करते थे किसी फिगर को, किसी शेप को, या कुछ लिखना हो तो। ठीक है, इस तरह से हमें पंच मार्क्ड कॉइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है टेराकोटा, सॉफ्ट क्ले की तरह ये मटेरियल होता है। किसके लिए यूज़ होता था? यहाँ पर शायद लिखा नहीं है। ठीक है, हाँ, डाइटिस की मूर्तियाँ टाइप बनाने के लिए, डाइसिस बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स और बीड्स बनाने के लिए। ठीक है, टेराकोटा ज्वेलरी काफ़ी फेमस है, आज भी यूज़ होती है। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्रॉम पाटलिपुत्र और दूसरा तक्षशिला। अब जब ये स्टेटमेंट आती है कि मोस्ट कॉमनली फाउंड दिस रीजन, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मौर्यन एम्पायर के और किसी भी रीजन में नहीं मिलती होगी, मिलती होगी, बट मोस्टली जो मिली है, मोस्ट कॉमनली कहाँ से मिली है? इन दो रीजन से। उसके बाद फॉग गॉड, जो लोकल गॉड गॉडेसेस थे उनके, हमने पीछे पढ़ा यक्षिणी, उनकी मूर्तियाँ बनाने के लिए किसका यूज़ होता था? किसका यूज़ होता था? टेराकोटा का। और नेक्स्ट डॉल्स, टॉयज बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते थे? वो टेराकोटा का। तो यहाँ पे ख़त्म होता है इनका आर्ट कल्चर। कल हम स्टार्ट करेंगे जो लेटर मौर्यस थे वो कौन थे, क्यों वो वीक सक्सेसर प्रूफ हुए, किस तरह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देन हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर या पोस्ट मौर्यन एम्पायर का जो पहला पार्ट है, गुप्ता पीरियड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, ताकि हम जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर कर सकें। थैंक यू।